नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक। अब 6 से 12 साल उम्र वाले बच्चों में वैक्सीन ट्रायल की जल्द होगी शुरुआत। पीएचडी में नामांकन के लिए इस तारीख को जारी होगा इंटरव्यू का शेड्यूल। बिहार के सभी कॉलेज में बनाए जाएंगे रोड सेफ्टी एम्बेसडर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी आगे। बिहार लोक सेवा आयोग के 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ गई है, जिसके तहत अब इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 15 जून 2021 से 22 जून 2021 तक कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्यालय में आवेदन की हार्ड कॉपी, सभी पत्रों की प्रतियां 17 मई तक भेजना था, जिन्हें अब 28 जून को शाम 5 बजे तक भेजा जा सकता है। जिसको लेकर बीपीएससी 66वीं परीक्षा के विज्ञापन की सूचना और आवेदन करने के निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में खुलेगा आईआईटी एक्सटेंशन सेंटर। बिहार में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही नीतीश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से सिलेबस को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। आईआईटी की मदद से तैयार होने वाले सिलेबस कुछ इस तरीके से तैयार किए जाएंगे कि फिर युवाओं को रोजगार दिलाने में मददगार साबित हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की कार्य योजना के मुताबिक आने वाले समय में कॉलेज के कैंपस में आईआईटी एक्सटेंशन सेंटर को खोला जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मॉनसून सत्र में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव तभी आएगा जो पूरी तरीके से तैयारी कर प्रस्तावित विधेयकों पर विश्वविद्यालय की सहमति मिल जाएगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज में गुणवत्ता युक्त पढ़ाई के अवसर उपलब्ध कराए जाए। बिहार में कोविड-19 के मिले 500 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 432 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 5700 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 12, अरवल में 2, बेगूसराय में 17, भागलपुर में 4, भोजपुर में 3, बक्सर में 1, दरभंगा में 20, ईस्ट चंपारण में 12, गया में 13, गोपालगंज में 20, जमुई में 2, जहानाबाद में 4, कैमूर में 5, कटिहार में 13, खगड़िया में 5, किशनगंज में 8, लखीसराय में 16, मधेपुरा में 14, मधुबनी में 5, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 18, नालंदा में 12, नवादा में 5, पटना में 37, पूर्णिया में 33, रोहतास में 8, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 6, सारण में 24, शेखपुरा में 8, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 28, सुपौल में 32, वैशाली में 11, वेस्ट चंपारण में 6 मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही 7 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 120,023 सैंपल की जांच की गई, वहीं 1,062 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक। बिहार में मॉनसून की बारिश देखने को मिली है, जिसके तहत बिहार में बारिश की दस्तक हो गई है। पटना सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में बीते दिन शनिवार को मूसलाधार बारिश देखने को मिली। शुक्रवार दोपहर से ही आकाश में काले बादल उमड़ने घुमड़ने लगे थे। रात में बादलों का रंग गहराता गया। पटना में सुबह करीब 9 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक निकला। बिहार में 2 दिन पहले ही मॉनसून की झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस बार मॉनसून में अच्छी बारिश के आसार है। मौसम विभाग की माने तो यास तूफान के कारण इस बार अन्य प्रदेशों में भी मॉनसून का आगमन 1-2 दिन पहले हुआ है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो 16 जून तक मॉनसून की एंट्री पटना में पूरी तरीके से हो सकती है। बिहार में अब रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानदारों को बिल पर लिखना होगा FSSAI नंबर। अब रेस्टोरेंट और मिठाई दुकान जाने वाले ग्राहकों को उनके बिल पर FSSAI का लाइसेंस नंबर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अब दुकानदारों को अक्टूबर से रेस्टोरेंट और प्रमुख स्थानों पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित बोर्ड लगाने होंगे, जिन्हें ग्राहक आसानी से पढ़ और समझ सके। अगर FSSAI द्वारा आवंटित लाइसेंस नंबर नहीं लिखा गया तो ऐसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा। आपको बता दें, फिलहाल पैकेज फूड पर FSSAI नंबर लिखना अनिवार्य है, लेकिन इस नियम का पालन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। इसको लेकर नया कानून तैयार किया जा रहा है। अब 6 से 12 साल उम्र वाले बच्चों में वैक्सीन ट्रायल की जल्द होगी शुरुआत। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के वैक्सीनेशन ट्रायल की प्रक्रिया जोर शोर से करवाई जा रही है। वहीं पटना एम्स की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार सेकेंड फेज के वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए 42 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है। बच्चों के अभिभावकों ने अपने बच्चों का वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें पटना एम्स में आने वाले 1-2 दिनों के अंदर बुलाया जाएगा और फिर बच्चों का आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, टीकाकरण ट्रायल को 3 फेज में बांटा गया है, जिसमें पहले 12 से 18 साल के बच्चे, दूसरे में 6 से 12 साल के बच्चे और तीसरा 2 से 6 साल के बच्चों को शामिल किया गया है।
राज्य के सभी जिलों को पछाड़कर नंबर एक पर आया गया जिला। कोविड 19 के माहौल में मनरेगा योजना की काफी चर्चा हो रही है। वहीं मनरेगा योजना में भी रोजगार उपलब्ध कराने में बिहार के गया जिले ने बाजी मार ली है। मिली जानकारी के अनुसार गया जिले के 332 में से 331 पंचायतों में जॉब कार्डधारी प्रतिदिन 88,320 श्रमिकों को कार्य मुहैया करवाया जा रहा है। यह पूरे राज्य में सर्वाधिक है। डीएम के मार्गदर्शन में हासिल की गई उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि कोविड 19 के माहौल में जहां हर तरफ निराशा छाई थी, मनरेगा योजना के माध्यम से मजदूर अपने 2 जून की रोटी कमा पा रहे थे। इसी क्रम में गया जिले ने सबको पीछे छोड़ दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गया जिले के यह 5 प्रखंड ने बाजी मारी है, जिसमें बाराचट्टी के 8,791, कोंच के 8,587, डुमरिया के 7,267, मोहनपुर के 6,669, खिजर सराय के 5,998 श्रमिक को कार्य मुहैया करवाए गए हैं। पीएचडी में नामांकन के लिए इस तारीख को जारी होगा इंटरव्यू का शेड्यूल। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पहली बार पीएचडी स्तर पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 18 मुख्य विषयों के साथ एलाइड विषय के पीएचडी में भी नामांकन की व्यवस्था की है। 25 जून से प्रवेश परीक्षा में उतरने छात्रों के लिए इंटरव्यू की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, लेकिन उसका शेड्यूल अभी प्रकाशित नहीं किया गया है। इस संबंध में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर बीके मंगलम ने बताया कि 20 जून तक वेबसाइट पर शेड्यूल प्रकाशित कर दिया जाएगा। हालांकि अभी 15 जून तक सभी अकेडमी गतिविधियां स्थगित हैं। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने पोर्टल उपलब्ध करवाने को लेकर दिया स्पष्टीकरण। पटना हाईकोर्ट में राज्य में चल रहे डिजिटल पोर्टल के मामले में बिहार सरकार ने अपना जवाब पेश किया है। बिहार राज्य में कोविड 19 महामारी के मामले पर पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर बीते दिन सुनवाई हुई। इस दौरान डिजिटल पोर्टल के मामले पर सुनवाई करते हुए निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया है। आपको बता दें, पोर्टल मामले पर इसे सार्वजनिक रूप से साझा किए जाने के संबंध में कोर्ट में चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के योजना और विकास आयुक्त आमिर सुबहानी और आईटी सचिव संतोष कुमार मल्ल शामिल हुए थे। इस दौरान एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि राज्य में चल रहे पोर्टल केंद्रीय कानून के तहत है। पोर्टल को आम जनता के लिए नहीं उपलब्ध करवाया जा सकता। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में किसी की शिकायत अब तक सामने नहीं आई है। ब्लैक फंगस की दवा हुई जीएसटी मुक्त, तो वहीं वैक्सीन पर रहेगा टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में कोविड 19 संबंधी दवा और अन्य जरूरी वस्तुओं जैसे कि एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी की दर घटाने का अहम फैसला लिया गया, जिसके तहत परिषद में टीके पर 5% की कर दर को कायम रखने का सहमति बनाया गया है। इसके साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 12% किया गया। टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट के लिए जीएसटी की दर 5% की गई है। इसके साथ ही देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिषद ने के इलाज में काम आने वाली एम्फोटेरिसिन बी दवा पर जीएसटी की दर 0 की है। इसके साथ ही टोसिलीजुमैब और एम्फोटेरिसिन बी पर सरकार ने कर की दर को 0 कर दिया है। बिहार के सभी कॉलेज में बनाए जाएंगे रोड सेफ्टी एम्बेसडर। बिहार के सभी कॉलेज में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोड सेफ्टी एम्बेसडर को नियुक्त किया जाएगा। परिवहन विभाग में इस बाबत खाका बना लिया गया है, जिसके तहत राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में युवाओं की जान जाने के मामले में लगातार वृद्धि को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। इस काम में शिक्षा विभाग की भी सहायता ली जाएगी। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार युवा सदस्यों के असमय इस दुनिया से जाने के गम किसी भी परिवार को ना मिले, इसी कारण परिवहन विभाग इस कवायद में जुट गया है। विभागीय अधिकारियों की माने तो राज्य के 326 कॉलेज और 221 सड़क नोडल पदाधिकारी का चयन किया जा चुका है, जबकि बाकी बचे 105 कॉलेज में नोडल पदाधिकारी और सड़क सुरक्षा एम्बेसडर का चयन होना बाकी है। बिहार पुलिस की वर्दी के लिए बुनकरों ने तैयार किया स्पेशल कपड़ा। बिहार पुलिस की वर्दी अब खादी में तैयार होने वाली है, इसको लेकर नई योजना बनाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार भोजपुर के बुनकर इन दिनों तैयारियों में जुटे हैं। खादी के कपड़े से तैयार की जा रही वर्दी के नमूने को बंद कर जल्दी ही बिहार के डीजीपी को सौंप देंगे। नमूने के तौर पर एक थान कपड़ा डीजीपी को सौंपा जाएगा, जिसके बाद अगर इसके उपयोग को हरी झंडी मिलती है तो अब बिहार पुलिस खादी की वर्दी में दिखेगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भागलपुर के बुनकर इन दिनों बिहार पुलिस की खादी की वर्दी पहनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि इस कपड़े में पसीना सूखने में काफी दिक्कत होती है, जिसका असर स्किन पर पड़ता है और खुजलाहट की समस्या आती है। खादी बढ़ती गर्मी में राहत देती है, इसमें पसीना आसानी से सूख जाता है। इस वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को अधिक फायदा मिलेगा। बाल श्रम अभी से ही बिहार समेत कई राज्यों में बड़ी समस्या है। हालांकि बिहार में अब बच्चों को इसे बचाने के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है, जिसमें श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग एक साथ मिलकर काम करने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल सरकार की योजना है कि बाल श्रम से बच्चों को बचाने के लिए चाइल्ड फ्रेंड कार्ड बनाया जाए, जिसके माध्यम से बच्चों की तीन नजर रहेगी। फिलहाल इसको लेकर बातचीत जारी है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में कुल मिलाकर 4.5 लाख बाल श्रमिक फिलहाल मौजूद है। हालांकि इससे पहले भी बचपन बचाओ आंदोलन ने बाल श्रम उन्मूलन और पुनर्वास योजना को सशक्त तथा सरल बनाने हेतु कार्ड उपलब्ध कराने का सुझाव सरकार को दिया था, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ था।
बिहार सरकार अब कतरनी और सोना चूर्ण चावल को देगी प्राथमिकता। बिहार सरकार ने कतरनी और सोना चूर्ण चावल को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। मिली जानकारी के अनुसार अब इन दोनों चावल को प्राथमिकता देने के लिए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भागलपुर सारण प्रमंडल की कृषि योजनाओं की समीक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कतरनी चावल को GI टैग पहले ही मिल चुका है, जिसके बाद अब कतरनी चावल के क्षेत्र विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही मिर्चैया और सोना चूर्ण चावल के क्षेत्र विस्तार पर काम किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार चावल की यह किस्में बिहार के परंपरागत और विशिष्ट उत्पाद हैं। नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी का गला नहीं घोटने की दी नसीहत। बिहार की चर्चित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी फिल्म और गानों में अश्लीलता को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने भोजपुरी की छवि खराब कर दी है। इसको लेकर नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भोजपुरी जैसी मीठी भाषा को परम अश्लील भाषा का दर्जा दिलाने दिया है आप लोगों ने, अब काहे खिसिया रहे हैं। एक बार भी आपने नहीं सोचा कि आपने भोजपुरी भाषा और इलाका सिर्फ मर्दों की भाषा नहीं है बल्कि औरतों का भी है, लेकिन आप लोगों ने इतना गंध मचाया कि राह चलना मुश्किल हो गया। अब तो औरतों का पैदल चलो तो पान की दुकान पर, ऑटो में बैठो तो अलग संगीत में धमकी दी जा रही है। ये आप ही लोगों का फैलाया हुआ कीचड़ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू ने मांगी हिस्सेदारी। मानसून सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद पहले ही अपनी हिस्सेदारी जदयू ने मांग ली है, जिसके तहत जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि गठबंधन में एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। NDA के जितने भी घटक दल है उसे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सम्मानपूर्वक हिस्सेदारी सभी घटक दलों का हक है। ऐसे में जदयू भी ADM का अहम हिस्सा है, इसीलिए जदयू को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट चल रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री स्तर पर चर्चा हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैविक खेती के लिए किसानों को अनुदान देने की दी जानकारी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बीते दिन ट्वीट करके जानकारी साझा की, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि बिहार में गंगा नदी के किनारे के पास के 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया। इस योजना में किसानों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान और निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है। अब तक 188 कृषक उत्पादक संगठनों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें 21,608 किसान शामिल है। जैविक खेती के इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ गंगा को स्वच्छ रखने के प्रयास को पूरा करने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें, 20 फरवरी को नीति आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के समक्ष जैविक खेती का जिक्र करते हुए रोड मैप बनाकर कृषि मैप के क्षेत्र में सरकार के काम करने की जानकारी दी थी। साथ ही बिहार में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने की भी बात कही थी। बिहार के नगर विकास विभाग में निकाली जाएंगी रिक्तियां। बिहार के 117 शहरी निकायों में आउटसोर्सिंग पर बम्पर बहाली निकाली जाएगी, जिसके तहत लगभग 1,000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे, जिसमें हजारों की संख्या सफाई कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर आदेश जारी किया है। 31 मार्च 2022 तक बहाली की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नगर परिषद के लिए निजी भवन का मासिक किराया अधिकतम 25,000 जबकि नगर पंचायतों के लिए अधिकतम 20,000 होगा, जिसकी जवाबदेही अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। बिहार में 15 जून तक रिकॉर्ड गेहूं खरीदने का रखा गया लक्ष्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीते दिन गेहूं अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सहकारिता विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने गेहूं अधिप्राप्ति के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। प्रशिक्षण में उन्होंने जिलावार गेहूं अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति, गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या, पेमेंट की स्थिति आदि की जानकारी दी। इसके साथ ही 15 जून तक 3,50,000 मीट्रिक टन गेहूं अधिप्राप्ति करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, जो कि बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किसानों के बीच इस बात को प्रचारित करें कि राज्य सरकार अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करना चाहती है, ताकि इसका लाभ उन्हें मिल सके। शाहरुख खान से मिलने पहुंचे PK। राजनीति के धुरंधर प्रशांत किशोर बीते दिन शाहरुख खान से मिलने पहुंचे थे। उसके बाद से ही राजनीतिक माहौल में चर्चा तेज हो गई है, जिसके बाद उसे हर कोई यह सवाल पूछ रहा है कि क्या शाहरुख खान राजनीति में एंट्री करेंगे या शाहरुख की रेड चिलीज प्रशांत के जीवनी पर कोई आधारित बायोपिक बना रही है। रेड चिलीज के प्रवक्ता ने आरोपों का खंडन करते हुए बताया है कि यह अफवाह है। शाहरुख का प्रशांत दोस्त काफी लंबे समय से रहा है और वो समय समय पर मिलते रहते हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर के करीबी लोगों ने मुलाकात को शिष्टाचार का तोहफा बताया है और कहा है कि वो 3 साल से पूरी तरीके से मिलते रहे हैं। ममता बनर्जी ने शाहरुख खान, प्रशांत किशोर को एक दूसरे से मिलवाया था।
मांझी के बाद मुकेश सहनी ने एनडीए की बढ़ाई टेंशन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लगातार एनडीए की तरफ से जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी विपक्षी दल के संपर्क में है, जिसके बाद से ही लगातार एनडीए के टूटने की खबरें आ रही है। इसी बीच वीआईपी की तरफ से सरकार की टेंशन बढ़ गई है। हाल ही में भाजपा नेताओं को अनावश्यक बयानबाजी के बजाय जनता के लिए 19 लाख के रोजगार पर काम करने की सलाह मुकेश सहनी ने दी थी, जिसके बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। तब से परेशान करने वाली बात यह है कि जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसे पर्दे में रहने दिया जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिया तेज प्रताप यादव को एनडीए में आने का ऑफर। जहां एक तरफ लगातार राजद की तरफ से जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है, वहीं बीते दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तेज प्रताप यादव को एनडीए में आने का ऑफर दे दिया। इस बाबत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि अगर जीतनराम मांझी के साथ तेज प्रताप यादव आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब तेज प्रताप यादव क्या फैसला लेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और मांझी की मुलाकात पर उन्होंने पहले कहा था कि वो दुखी है कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में हर संकट के समय में गायब हो जाते हैं, उन्हें इस हरकत से कोई भी विधायक नाराज हो सकता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। जलालुद्दीन फिरोज शाह 1420 में दिल्ली की गद्दी पर आज ही के दिन बैठा था। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में पनडुब्बी के द्वारा जर्मनी से टोक्यो की यात्रा शुरू की। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का जन्म 1923 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंगकार मुद्रा लाक्षो का निधन 2016 में हुआ। इंडिया के श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल हुआ जारी। अगले महीने श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया नजर आने वाली है। इस दौरे के मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया के नियमित कप्तान विराट कोहली की अनुपस्थिति में इस नई टीम की कमान शिखर धवन के हाथ में दी गई है। टीम ऐलान के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका दौरे पर जाने वाले बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे पर जाने वाले शिखर धवन और बाकी खिलाड़ियों को क्वारंटीन प्रक्रिया शुरू करने के लिए 14 जून को मुंबई में इकट्ठा होने और बायो बबल में प्रवेश करने को कहा है, जिसके तहत पहला वनडे 13 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा वनडे 16 जुलाई, तीसरा वनडे 18 जुलाई, पहला T20 21 जुलाई, दूसरा T20 22 जुलाई, तीसरा T20 25 जुलाई को खेला जाएगा। यह सभी मैच श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 12 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,740 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,740 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 72,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 98.32 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.89 रुपए प्रति लीटर। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमारी, शंकर मुखिया, रविराज, मुमताज आलम, रघुनंदन कुमार, रविंद्र पासवान, हेना खान, अमर आजाद, मोनिका कुमारी, सोहन सर, संतोष कुमार, नीतीश यादव, पुष्पक कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आरसीपी सिंह के बयान के अनुसार जदयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी देनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।